हेलो गाइस, बॉयज़ गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू आवर लास्ट व्लॉग, जिसमें अभी हम दोनों आपको साथ दिख रहे हैं क्योंकि आज सुमित चला जाएगा। इस व्लॉग में आज सुमित अपने घर चला जाएगा। सामान वगैरह पैक करना हमने स्टार्ट कर दिया है, वो भी अपना सामान वगैरह डालने में लगा हुआ है। मैंने अपना सामान डाल लिया है, सामान भी डाल लिया है। सुमित, तूने अपना सामान डाल लिया है? डाल लिया। किधर डाल लिया है? बैग में डाल ले गाइस। आप अपना सामान बैग में डाल सकते हो कभी? मेरे को ये निंजा टेक्निक बताना अगर किसी को आती है तो ठीक है, कमेंट में। फिलहाल निकलने से पहले अभी एक लास्ट ब्रेकफास्ट करेंगे होटल के अंदर, उसके बाद आज दो तीन इम्पोर्टेंट काम है, फिर उनको निपटाएंगे। देखते चलना आप। गाइज, ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने लिया है ब्रेड, ये पता नहीं क्या है, आलू का बना हुआ है, ठीक है। और ये फ्राइड ब्रेड है, जो भी है किसी भी चीज़ का भी खा के बताएंगे। ये सुमित को पसंद है ना, यू लाइक इट। और ये ऑमलेट है, इसको हमारा विलन खाएगा। गाइज, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी हम यहाँ पे बैठ के वेटिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहे हैं अपने क्लोथ्स का। जो हमारे कपड़े हैं ना, वो अलग अलग रूम में कुछ कुछ बिखरे हुए हैं। सुमित की टी शर्ट कहीं पे है, उसका पजामा किसी के पास है। अरे पैजामा, पजामा पहनता ही नहीं, कहीं झूठ बोल रहा। रात को मैंने इसे पहने हुए देखा था। झूठे नहीं पहना हुआ था तूने? नहीं। अरे गाइस, कितना बड़ा झूठा है। कल रात का भी लोग दिखाऊंगा मैं आपको, जूम करके। जहाँ इसका पजामा आएगा ना, वहीं पर जूम कर दूंगा, ठीक है। वैलेट पार्किंग से गाड़ी नहीं बुलाई है, खुद गाड़ी को लेने के लिए आए हैं अपनी, क्योंकि वैलेट पार्किंग वाला मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मेरी गाड़ी में से छोटा छोटा सा आइटम होता है, इतना इतना सा रखा रहता है, कहीं पर उसको निकाल लेता है। जितनी भी बार ढूंढता हूँ मिलता नहीं। मैंने कहा मेरी चाबी दे तू, मैं अपनी गाड़ी खुद लेके जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ गाइस, मजाक कर रहा हूँ। हमें अपनी गाड़ी में सामान रखना था। खुद ही बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गाड़ी की चाबी अभी ले लो क्योंकि आप थोड़ी देर में निकलने ही वाले हो, तो इसलिए हमने उनसे चाबी ले ली थी। और अब हमने सामान वगैरह सब ठूस दिया इसमें। सुमित लगा पड़ा है फोटोग्राफ्स खींचने में अपने टीममेट्स के साथ। अब हम यहाँ से चलेंगे, सुमित इसको हक करेगा और बाय बाय बोलेगा। अरे हक करना, बाय बाय बोल इसको। हाँ, व्लॉग भी बना रहे साथ में। एयरपोर्ट नहीं जाएंगे अभी क्योंकि 3-4 घंटे हैं, हम कहीं और जाएंगे। गाइस, मेरा ना दिमाग एकदम खराब हो गया, दिमाग का माँ का भाई हो गया है, क्योंकि यहाँ 1 घंटा हो गया है रेड लाइट से निकलने नहीं दे रहे मेरे को। जैसे सोचता हूँ रेड लाइट के पास पहुंचूंगा, कोई रिक्शे वाला घुस जाता है, कुछ घुस जाता है। 1.25 घंटा हो गया है बढ़िया आराम से लेटा हुआ है यहाँ से, और मेरा गाड़ी चला चला के दिमाग खराब हो गया। लेकिन अभी एकदम से मेरे को ठीक सा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेड लाइट खुल जा भाई, ये रेड लाइट खुल जा, ये रेड लाइट खुल क्यों नहीं रही? अंधविश्वास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, चाहे उसको कुछ भी बोलते हो, इसको पता है कि अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे भी पता है कि ये अंधविश्वास के बारे में बात कर रहा है। हाँ, तो तेरे को इंग्लिश के शब्द से क्या लेना भाई? अभी मैंने देखा बुरारी करके एक बोर्ड था, मैं पूछा ये बुरारी जगह है क्या, वो बुरारी कांड हुआ था। तो इसको मास्क हटा के बात किया कर पहले तो। हाँ, वो बुरारी कांड हुआ था ना दिल्ली में, आपको पता है क्या सीन हुआ था? बताओ जरा मोहित भाई को, दिल्ली में रहेंगे यार। मुझे नहीं पता गाइस, आई लाइक माय कांड ओनली। वो वाली नहीं डाल सकते गाइस। शादी का व्लॉग तो डाला है आपने। हाँ, तो अभी हुई नहीं ना, बट मेरे से पहले कहीं सुमित की होगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके हाथ पीले करा दूंगा यार। गर्लफ्रेंड ही नहीं है गाइस, एक गर्लफ्रेंड दिला दो मोगी भाई। तो क्या यार, दिल्ली में गर्लफ्रेंड ही नहीं दिला रहे भाई। दिला दूंगा 5 मिनट में भी, दिलाता देख। रेडीमेड एकदम। अभी हम लोग रेड लाइट वगैरह से निकल के गाड़ी को इधर पार्क करके, ठीक है, अभी हम आ गए अपनी कासम खास आंटी के पास चाय पीने के लिए। आंटी आए बोलो। हाँ, हम ये हमारी कासम खास आंटी, इनके पास मैं हर रोज चाय पीने आता हूँ। सीक्रेट प्लेस है मेरा, ये हमारा डेंजर वाला भाई और हमारा प्यारा वाला भाई, एकदम खतरनाक जोड़ी है ना, देखना कितना मासूम चेहरा। और ये और बीच में मैं, मतलब मैं इन दोनों के बीच का बीच की कड़ी हूँ, है ना। अभी चाय लेने के लिए रुके इधर। फाइनली गाइस, हम लोग बैठ गए हैं चाय पीने के लिए टपरी वाली। अभी आए हैं क्राउन प्लाजा से, एक नंबर की 2 कौड़ी की घटिया चाय पी के। इतनी महंगी चाय, इतनी महंगी चाय कि पता नहीं कितनी महंगी चाय। और ये इतनी सस्ती चाय, मतलब कि उतनी सस्ती नहीं, उतनी जितने की होनी चाहिए। और ये पी के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है।
एकदम बेस्ट है, इसको भी अच्छा लग रहा है, निमड़ा को भी अच्छा लग रहा है। और मैंने बिस्किट भी लिया यहाँ से, 5 रुपए वाला मेरा फेवरेट बिस्किट है ये, जो ये इधर ही मिलता है दुकानों पे, वो बिस्किट नहीं है, कुकी पुकी जो भी है। अच्छा कुकी। गाइस हमने चाय वगैरह पी ली है और ये मेरा टेक नंबर 3rd है। इससे पहले 2 बार सुमित मेरी वीडियो खराब कर चुका है, बीच बीच में बोल रहा होता हूँ, कभी पोस्ट दबा देता है, कभी कुछ कर रहता है, फिर मुझे स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। गाइस यार ये नकली फोन लेके घूमेंगे तो क्या ही करेंगे। नकली फोन क्या, गाइस बीच बीच में फोन आ रहा है, किसी का कोई लोकेशन मांग रहा है, इससे किधर हो तुम, मैं क्या करूँ, लोकेशन देनी पड़ रही है इसे, मेरी क्या गलती है इसमें। तो अभी हम निकल गए हैं, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के पास में हमारे एक्सोक के ऑफिस में, क्योंकि उधर लोंडा लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और अभी इसकी फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम भी है, तो उधर बैठ के चिड़िया उड़ी खेलेंगे, टाइम पास करेंगे थोड़ा सा, बस यही बोलना था ना। यही बोलना था। और गाइस मेरे भाई को प्यार दो, बार बार बेचारा सेमीफाइनल फाइनल में जाके हार जा रहा है, इसमें यार थोड़ा इसके लिए मंदिर मंदिर में पूजा पाठ जाके करो, वही करना पड़ेगा, या तो हारे तो स्टार्टिंग में हार जाए टूर्नामेंट के बाहर निकल जाए, ये सेमीफाइनल फाइनल में जाके ना हारे भाई। ठीक है भाई, बाय। एक्सो के ऑफिस में फाइनली एंट्री हो रही है अपनी गाड़ी की, इधर से जगह ही नहीं उतरने की, तू तो उतर जाएगा यहाँ से, तू तो उतर। गाइस सुमित निकल गया एकदम छोटी सी जगह में से, सुमित तो निकल गया यहाँ से, छोटी जगह में निकलने में सुमित एक्सपर्ट है, इससे आपको पता चल गया। हम एक्सो के ऑफिस में आ चुके हैं और बंदे यहाँ पे जबरदस्त तरीके से गेम खेलने में लगे हुए, वैलोरेंट में रैंक हासिल करने में लगे हुए हैं। मेरे को ये सेटअप बड़ा जबरदस्त लग रहा है ना, देख रहा है, इसको टालेंगे। वैसे मेरे को ये शीशा चाहिए, मेरा घर पे ना मिरर टूट गया इसका, ये मिरर चाहिए, मिरर मिल जाएगा क्या, इसमें वो है ना, ये तुमको सब कुछ मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग, मुझे सब कुछ मिल जाता है, कहाँ मिल जाता है कैमरे में बताना नहीं चाह रहा। 1:34 हो रही है, 2 बजे सुमित को पहुंचना है एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट के लिए हम निकल चुके हैं। 6.7 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद इसको बिठाएंगे। बहुत देर इसने इस वाली सीट का मजा ले लिया, अब एयरपोर्ट की वापस आऊंगा मैं, वापस आएगा एक दो महीने में, वापस आएगा इसी गाड़ी में जाएंगे कहीं और, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा गाइस, नहीं छोड़ूंगा, हाथ धो के पीछे पड़ जाऊंगा, मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, इसने मेरे को पर्सनल ड्राइवर अपॉइंट कर लिया, पैसा भी नहीं दे रहा है भाई। फिर सैलरी वैलरी की बात कर ले यार, 50,000 per month। अरे लोगों का अंदाजा लग जाएगा, इन 50 ओ सुमित 1 करोड़ कमाता है महीने का, कोई नहीं, जब अगली बार आएगा तो गाइस से खुल के बात करेंगे कितना पैसा देगा ये। ओ, है ना, अभी तो मैं जोड़ता जा रहा हूँ, जितनी बारी मेरे को चक्कर कटा रहा है सारा मैं लिखता जा रहा हूँ पर ट्रिप के हिसाब से। एक बारी मैं इसको बिल दूंगा भाई, तेरा घर जाएगा इसमें। चलेगा सुमित को सही टाइम पे सही सलामत एक पीस में एयरपोर्ट छोड़ दिया है, जनवरी में शायद ये वापिस आएगा, नवंबर चल रहा है अभी, यस 2 महीने का 1.5 महीने का टाइम है, फिर हम एक सीक्रेट ट्रिप पे जाएंगे, जो किसी को आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, आप गैस भी नहीं कर पाओगे, कोई बंदा गैस नहीं कर पाएगा क्योंकि उधर से अपन जिंदा वापिस नहीं आएगा। तो यार आप लोग ना चलो गैस कर ही लो, किधर जाने वाले होंगे कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस, आकर देखेंगे कोई गैस कर पाया नहीं कर पाया, नहीं कर, खैर मेरे हिसाब से तो कोई भी बंदा गैस नहीं कर पाएगा, बट ये समझ लो कि जगह डेंजरस है, इंडिया के अंदर ही है और वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते और वहाँ पे सांस भी नहीं आती और 5 दिन खुले आसमान के नीचे रहना है माइनस में, माइनस पंद्रह में ठीक है, उधर से जाएंगे दोनों के लेटर तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसका काम बढ़िया चलेगा, हमारे बारे में बताया करना, बढ़िया होते बंदे दिखते, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस बस आज के व्लॉग में रहेगा इतना ही, अब सुमित इधर से जाएगा, गले वाले लग रहा है, बस गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।